इंदौर में आगामी 19 मई को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित नहीं हुए हैं। वहीं कांग्रेस ही अपने आप को अभी से जीता हुआ मानकर चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अमन बजाज ने आज एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी के समर्थन में कहा कि उनके जीतते ही इंदौर के 10,000 युवाओं को हर वर्ष रोजगार मिलेगा। बजाज ने तो अति उत्साह में यह तक कह दिया कि 23 तारीख को परिणाम आते ही 24 को हमारी प्रदेश सरकार युवाओं को 100 दिन के रोजगार देने की घोषणा पर अमल कर देगी। जब बजाज से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में गत दिसंबर माह से कांग्रेस की सरकार है और उसने युवाओं के लिए क्या किया, तो बजाज किसानों की कर्ज माफी की बात कहकर टालते हुए नजर आए कि अभी तो हमारी सरकार को मात्र 100 दिन ही हुए हैं और आचार संहिता के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेसी युवा नेता सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में युवाओं को लॉलीपॉप देते हुए नजर आए। देखिए, उसका मुख्य विषय आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह था, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर जिला युवक कांग्रेस और इंदौर जिला NSY द्वारा रखी गई थी। कांग्रेस पार्टी का मूल रूप से मानना है कि भारत की तरक्की, भारत की उन्नति तभी तय होगी और तभी आगे होगी जब भारत का युवा आगे बढ़े, उसको रोजगार मिले, उसे खुशहाली मिले। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मध्य प्रदेश सरकार का जो संकल्प पत्र है, उसको सार्थक करने का प्रयास युवक कांग्रेस और NSY करती है और इंदौर के युवाओं से आप लोगों के माध्यम से बात पहुँचाना चाहती है कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी घोषित होंगे, तो 10,000 युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार सृजित करने का काम कांग्रेस पार्टी उनके लिए करेगी। और साथ ही साथ ये प्रश्न पूछना चाहती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो इन्होंने वादा करा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष उपलब्ध कराएंगे, वो रोजगार कहाँ गए? और 30 वर्षों से सांसद सुमित्रा महाजन जो इंदौर की है, उन्होंने इंदौर में युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए कभी उन्होंने सुध ली कि कभी इंदौर का रोजगार कार्यालय कब बंद हो गया, वहाँ कितने रोजगारों का पंजीयन होता था, जिनके पंजीयन होते थे उन्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला? और साथ ही साथ जो शिक्षा के सुअवसर इंदौर में मिले हुए हैं, जो इंदौर आज एजुकेशन हब बना हुआ है, IIT की बात करें, IIM की बात करें, तो ये सब कांग्रेस की देन है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इन 30 वर्षों में आदरणीय ताई ने इंदौर के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए क्या करा?